कर्नाटक और तमिलनाडु से स्वयंसेवी समूह की महिलाओं द्वारा पीएम मोदी को मिशन 2019 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहो दिल से मोदी फिर से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का नेतृत्व करने वाली राजलक्ष्मी मंडा आज इंदौर शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा पहुंची, जहां उनका बीजेपी के नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। देखिए रिपोर्ट। कहो दिल से मोदी फिर से अभियान टीम पहुंची इंदौर। बुलेट से भारत यात्रा पर निकली राजलक्ष्मी। नेत्री राजलक्ष्मी मंडा का भाजपाइयों ने किया स्वागत। कुल 15,225 किलोमीटर का सफर तय करेंगी राजलक्ष्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 के आम चुनाव में फिर से सत्ता में वापसी कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके अन्य अनुसांगिक संगठन तो सक्रिय है ही, लेकिन कुछ ऐसे भी संगठन हैं जिनका सरोकार भाजपा से तो नहीं है, पर वह पूरी शिद्दत से मोदी को फिर से प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। वो इसके लिए अपने स्तर पर अभियान चला रहे हैं। ऐसा ही एक संगठन है टीम भारत, जो कहो दिल से मोदी फिर से नारे के साथ देश भर में मोदी के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए देश भ्रमण पर है। तो वहीं अभियान का नेतृत्व करने वाली राजलक्ष्मी मंडा आज इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा पहुंची, जहां भाजपा पार्टी नेता शंकर लालवानी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। देश से मोदी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहा है और उसके इस अभियान को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। तो वहीं इंदौर के पड़ाव के दौरान राजलक्ष्मी मंडा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए खून से हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया, साथ ही बुलेट रैली भी निकाली। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व आईडी अध्यक्ष शंकर लालवानी ने राजलक्ष्मी मंडा के बारे में बताया। राजलक्ष्मी जी आज हमारे बीच में 15 राज्यों की यात्रा करते हुए आज वो इंदौर आई हैं। लगभग 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा उनकी यात्रा है और वो देश को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत हाथों देने के लिए जो यात्रा उन्होंने शुरू की है। आज चूँकि इंदौर में कार्यक्रम था, लेकिन जिस प्रकार से 2 दिन पहले हमारे जवान शहीद हुए हैं उसको देखते हुए स्वागत समारोह बाकी कार्यक्रम निरस्त करें, चूँकि उनका यात्रा का पड़ाव यहाँ था और यहाँ से वो आगे जा रहे हैं, तो हम सब मिलकर उनको यहाँ लेने आए और यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे। बता दें कि राजलक्ष्मी मंडा बुलेट रैली से 8 राज्यों से होते हुए 155 जिलों में पहुंचेंगी। 55 दिवसीय इस यात्रा में कुल 15,225 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। गौरतलब है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंडा से भेंट कर महिला सशक्तिकरण के कार्य की पूरी पूरी प्रशंसा भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।